अरविंद केजरीवाल ने 2025 जनवरी फरवरी में होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उस रणनीति को अपनाया है जो रणनीति हमारे देश में कभी असफल नहीं हुई है। चाहे राज्य के चुनाव रहे हों या देश के आम चुनाव, जब कभी हमारे देश की राजनीति किसी एक राजनेता के इर्द गिर्द घूमती रही है तो फिर उस राजनेता और उस राजनेता से जुड़े राजनीतिक दल को खूब लाभ पूर्व में मिलता रहा है। तो वही हाल में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में जमानत दी तो केजरीवाल ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। वो फिर से तभी मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के जब दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदार होने का ठप्पा लगाएगी, चुनाव में सफल करेगी। तो वही अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाते हुए उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वो उन्हें ईमानदार मानते हैं या बेईमान मानते हैं। क्या पूर्व में ऐसा कोई उदाहरण मिलता है जहां किसी राजनेता ने जनता के बीच जाकर के कहा हो कि क्या वो उन्हें ईमानदार मानते हैं या बेईमान मानते हैं। तो वहीं राजनीति को लेकर के लोगों के बीच, जनता के बीच एक अलग छवि बनी हुई है, सभी उसको जानते हैं। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा जहां कथित शराब घोटाले का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाएंगे, तब भी केजरीवाल राजनीति के, दिल्ली की राजनीति के चुनाव के केंद्र में रहेंगे और अरविंद केजरीवाल खुद भी इसको एक बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा बना चुके हैं।